जो लड़का ये वीडियो देख रहा है, भगवान करे उसको मेरे से प्यार हो जाए। जिंदगी में छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा दुख देती हैं। अब लुल्ली चैन में फंस जाए वो अलग बात है। अगर किसी को मैं अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं, अब हर किसी की चॉइस अच्छी थोड़ी ना होती है। दिल करता है ले लू तेरी सारी परेशानियां सारी तकलीफें। मोहित हाँ। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। सर्दियों में तो नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हो? हाय हाय, आप अपने बीएफ के साथ आई हो क्या? नहीं, मैं अकेले आई हूँ क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेले जा सकती हूँ, वैसे भी आप भी तो अकेले आए हो। अच्छा, तो मतलब आप भी मेरे तरह हाथ से काम चला रही हो। तुम्हारी जैसे 50 लड़कियों को रोज घुमाता हूँ रोज। हाय दैया, इतना कमाते हो, क्या करते हो? ऑटो चलाता हूँ। आजकल प्यार करने का सिलसिला बदल रहा है, आजकल प्यार करने का सिलसिला बदल रहा है। आई लव यू किसी और को अचक्कर किसी और से चल रहा है। यार मैं तो कहती हूँ कोरोना में इतनी दूरियां ना बनाए। कितनी दूरियां? कि आपका बाबू किसी और के काबू में आ जाए। घुसाने का मजा सर्दियों में ही है, रजाई में खुद को। बेबी तुम्हें आज मजा आया? अरे तुम बताओ तुम्हें मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। अरे रिकॉर्ड है मेरा, आज तक किसी ने कंप्लेन नहीं किया। अच्छा एक बात पूछूं? पूछ। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हो? एक और चाहिए इसलिए। लगवा ली वैक्सीन? हाँ। चुभा होगा ना? नहीं कुछ खास नहीं। हाँ कहाँ से चुभेगा, पराई औरत ने जो लगाई है, वरना हमारी तो बातें भी चुभती हैं, है ना? गर्लफ्रेंड के होठों पे शहद लगा के किस करने से खांसी ठीक हो जाती है। ये किस डॉक्टर ने बोला तुम्हें? डॉक्टर इमरान हाशमी। हेलो हेलो, क्या आप शादीशुदा है? नहीं, वैसे आप कौन? अबे खेबड़ी, तेरा पति बोल रहा हूँ, घर आते ही टांगे तोड़ता हूँ। क्या इस वीडियो के लिए 3 स्टार मिलेंगे? हाय अविनाश, कैसा है भाई? कैसा है? बढ़िया। इससे मिलो, ये मेरा फ्रेंड। हाय। चल ठीक है अविनाश, मैं मिलता हूँ भाई। हाँ भाई। क्यों नहीं मिले उससे? कैसा फ्रेंड है तुम्हारा? कैसा मतलब? आज तो तुम डिसाइड कर लो, या तो वो या तो मैं। ठीक है बात करता हूँ उससे। हाय, कैसा है मेरे भाई? भाई मैं तुझसे बात नहीं कर सकता। क्या हुआ? मेरी गर्लफ्रेंड को हमारी दोस्ती पसंद नहीं है, तो मैं पूरी फ्रेंडशिप तोड़ने आया हूँ। चल ठीक है, तू पूछ ले। सुनो, मैंने उससे पूरी फ्रेंडशिप तोड़ दी, अब तो तुम खुश हो ना? नहीं। लड़का और लड़की की सोच में एक बहुत बड़ा फर्क है। लड़के अपने लिए दूसरी गर्लफ्रेंड तभी ढूंढते हैं जब उनकी पहली गर्लफ्रेंड उन्हें धोखा देके निकल लेती है, और लड़की हमेशा अपना पहला बॉयफ्रेंड तब छोड़ती है जब वो दूसरे बॉयफ्रेंड का इंतजाम कर लेती है। औरत भी क्या चीज है, कुछ कह दो तो मुंह फुला जाती है, कुछ कर दो तो पेट फुला जाती है। हद है यार। हाँ, कोरोना ही नहीं खुद को फैलने से भी रोके। मोहित, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम देख तो सकते हो बट तुम्हें मिल नहीं सकती? रहन दे यार काजल, तुम बुरा मान जाओगे फिर। मैं दुनिया हिला दूंगा। अबे साले रहन दे, रात को पलंग तो हिलाया नहीं जाता, दुनिया का घंटा हिलाएगा तू। अट्टा से हेडशॉट।
सुनो, आपका नंबर मिल सकता है क्या? नंबर क्यों चाहिए? छोड़ो। अरे अरे सुनो ना। अरे इट्स ओके, जाने दो यार। अरे बात तो सुनो, एक्चुअली। अरे जाने दो ना यार। अरे एक्चुअली मैं ना। इट्स ओके बाबा, जाने दो यार। अरे बैठ तू, लिख मेरा नंबर 9922335489। क्या बात, आज कैसे उदास बैठी हो? वो शादी पर जो तुमने सोने की अंगूठी दी थी, आज वो कहीं गिर गई। आज मेरे भी 100 रुपए कोट की जेब से गायब हुए। पर चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। परेशान कैसे ना होऊं, नुकसान तो मेरा हो ही गया। अरे वो तुम्हारी अंगूठी मिल गई। सच? कहाँ मिली? कोट की उसी जेब में मिली जिसमें से 100 रुपए गायब हुए थे। कुछ बात है तेरी बातों में, कुछ बात है तेरी बातों में, ये बात यहाँ तक आ पहुंची। हम दिल से गए, दिल हमसे गया। बेबी एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो शादी के पहले सबकी होती है पर शादी के बाद सिर्फ पति की होती है? गलती। हम गए दोकली मंदिर मेला, उन पर अलाउंस का औरो, बच्चे दो ही अच्छे हैं, एक मम्मी के हाथ में एक पापा के हाथ में, ज्यादा हो जाएंगे तो मेले में खो जाएंगे। अब आप लोग समझ सका था, छोटो परिवार सुखी परिवार। यार काव्या वो सब करेंगे आज। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा काव्या, आज तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना? यार तुम सब लड़के एक ही सवाल क्यों पूछते हो? अच्छा सॉरी, सब लड़के पट्टा से हेडशॉट। ए में हम तुमको विश करेंगे, दूर मत जाना बहुत मिस करेंगे, हमको कोरोना का डर नहीं है, कोरोना हो जाए फिर भी किस करेंगे। काव्या मुझसे फ्रेंडशिप करोगे तुम? क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? मैं बहुत प्यार कर सकता हूँ। मुझे प्यार करने वाला नहीं, पलंग हिलाने वाला चाहिए। पट्टा से हेडशॉट। भाई ये साली और घरवाली में क्या अंतर है? जो जूते चुराए वो साली और जो जूते मारे वो घरवाली। और बताओ, मुझे पटाने का मन नहीं करता है क्या आपका? प्राचीन लोग अच्छे थे, बाण मारते थे, नए लोग बेकार हैं। यार अभिषेक, मेरी स्कर्ट गीली हो गई। यार तो इतना याद क्यों करते हो मुझे? यार काव्या कहाँ चल, जल्दी से सावन खत्म हो जाए। हाँ यार, सबसे पहले तो मैं चिकन खाऊंगी। और मैं भी सबसे पहले बड़ा खाऊंगी। यार देखो मेरा छोटा सा काम चल जाएगा। अरे क्या हुआ? यार पापा ने सुबह सुबह फालतू सुना दिया। कोई बात नहीं बेबी, पापा है तुम्हारे। तो क्या पापा है तो क्या कुछ भी बोलेंगे क्या? अरे दिल पे मत लो बेबी, पापा है ना तुम्हारे। कोई भी मुझे नहीं समझता, वो भी मुझे नहीं समझता, और तुम भी उनकी साइड ले रही हो। तो क्या करूँ, उस गंजे का सर फोड़ दूँ? आने उस कुत्ते को, कल स्कूटर से उड़ा दूंगी उसको। कुत्ती पापा है मेरे। तो कब से वही समझा रहे हो, पापा है तुम्हारे। अभिषेक मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक का था। अर्ज किया है, तुमने मुझे छोड़ दिया और तोड़ दिया मेरा जिया। तुमने मुझे छोड़ दिया और तोड़ दिया मेरा जिया। अब तो अपनी हम सफर है सनी और मिया। पट्टा से हेडशॉट। यार तुम कितने हवस के पुजारी हो। अर्ज किया है, कैसे कह दिया तुमने मुझे हवस का पुजारी, क्या जबरदस्ती ली मैंने तुम्हारी। पट्टा से हेडशॉट। बेबी ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने शिकारी को अपने जाल में फंसाता है और तड़पा तड़पा के मारता है? जिन जख्मों को वक्त भर तुम क्यों उन्हें छेड़ जा रही हो? मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दोगी तुम लड़कियाँ? हाँ पूछो। देख लो बता पाओगी? हाँ। अच्छा बताओ, तुम लड़कियों की जीन्स में जिप क्यों होती है?
जबकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती होगी तुम्हें। अगर दुनिया में सब कुछ फ्री हो जाए तो तुम सबसे पहले क्या लोगे? तुम्हारी म्यूजिक। जानो आप किसी और से बात कर दो ना, मुझे बहुत जलन होती है। जिसकी होती है शादी वो बैठते है घोड़े पे, और जो मुझसे जले वो मैं ऐसा जलना पसंद करूँ। यार ये समझ गई। भैया पल्सर और बुलेट, चैन में कितनी भी स्पीड हो, कितनी भी दबा के, पर ये चले भैया एक्टिवा के पीछे पीछे ही है। पति ने पत्नी से कहा, आज मैंने बाजार में तुम्हारे जैसी एक लड़की देखी, तो पत्नी बोली पसंद नहीं। बेचारा पति, हाँ करे तब भी मरे और ना करे तब भी मरे। देखो भाई मैं पहले ही बता रही कि ब्याह तो मैं उसी घर में करूंगी जो मुझे देर तक सोने देंगे। बेबी एक बात बताओ, हमेशा पोस्टमैन लड़का क्यों होता है, लड़की क्यों नहीं होती? अबे क्योंकि लड़कियां एक डिलीवरी में ही 9 महीने लगा देती है ना। लड़कों के ग्रुप में से एक लड़का जरूर ऐसा मिलता है जो बोलता है हर किसी से, भाई अपनी वाली से बोल मेरी भी सेटिंग करा देगी। और एक तो मेरा टम्मी दिखने लग पड़ता, कुछ भी करती पतली होती ना मजा आ जाता। लोग शादीशुदा लाइफ से इतने परेशान हैं, तो ये शादी की सालगिरह इतने धूमधाम से क्यों मनाते हैं? पूछता है भारत, जवाब दो पंचा। मोहित हा? तुम्हारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सही समय पर खड़ा होना। पट्टा से एक्शन। कैसा लेते भी? यार काव्या, यार ये पापा कैसे बनेंगे? एक परी आएगी और तुम्हारी वाइफ को एक बेबी देके जाएगी। अच्छा अब क्या सोच रहे हो? यार मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लेनी किसकी है, परी की है वाइफ की? आजकल के लड़कों को पता ना क्या हो गया है, लड़कियों पे कम भाभियों पे ज्यादा लाइन मारते हैं। पहले मैं बहुत कमजोर था, फिर पड़ोसन ने कहा कि दूध पिया करो, अब पड़ोसन कमजोर है।